हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम गोविंद प्रजापति। आप सब लोगों का मेरे लेटेस्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत सा स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस अपने चैनल पर लेटेस्ट ज्ञान पे कुछ नई नई चीज़ें आपके बीच में शेयर करता रहता हूँ, वो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, कार संबंधित रिलेटेड कुछ न कुछ वीडियो देता रहता हूँ। आइए, मैं आज के इस वीडियो में एक गजब का इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो नए साथी हमारे गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, वो सीखना चाहते हैं और गाड़ी चलाने के लिए इच्छुक हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो में आज गियर चेंजिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह गियर शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ सिक्स गियर तक आपको सभी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। और इस वीडियो को और से लेकर अंत तक पूरा आप लोग देखेंगे तो ज़रूर वीडियो पसंद आएगी। हाँ, अगर हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल का आइकन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट करें। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, मान लीजिए आप गाड़ी का चाभी ऑन कर लेंगे। अभी जैसे गाड़ी का इग्निस है, चाभी जैसे ही ऑन करेंगे स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद सर्वप्रथम आपको ये देखना है गियर, समझ लीजिए। गियर लीवर में एक नंबर इधर दिया है, इसके जस्ट पीछे दो नंबर दिया है, इसके जस्ट बगल में तीन नंबर दिया है बीचों बीच, और तीन नंबर के जस्ट पीछे चार नंबर दिया है, और थोड़ा लेफ्ट जाएंगे तो पांच नंबर कोने की तरफ दिया है, और इस पाँच नंबर के जस्ट पीछे रिवर्स गियर दिया हुआ है। इसी तरह गियर सेटअप होता है गाड़ियों में। आप एक बार इस गाड़ी को चला लेंगे तो लगभग सभी गाड़ियों को चला लेंगे। तो दोस्तों, इसको गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए सर्वप्रथम आपको फर्स्ट गियर पर जाना होगा, फर्स्ट गियर लगाना होगा। फर्स्ट गियर लगाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेटिंग दिया हुआ है हमारे पैर के सामने। ये क्लच है, और ये ब्रेक है, और एक्सीलेटर है। तो ये एक्सीलेटर और ब्रेक किस पैर से चलता है, इस पैर में आप एक्सीलेटर लेंगे गाड़ी को स्पीड करने के लिए, चलाने के लिए, और इस ब्रेक से, इससे आप ब्रेक दबाएंगे गाड़ी को स्टॉप करने के लिए और स्लो करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये क्लच है दोस्तों, और ये लगभग लेफ्ट वाला पैर हमेशा क्लच का यूज में आता है। तो आपको फर्स्ट गियर डालना है, तो आपको क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट पोजीशन में हो जाएगी। और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले गाड़ी का देख लीजिएगा कि आपका ये गियर न्यूट्रल होना चाहिए। ये ऐसे दोनों तरफ हिलाएंगे तो हिलेगा, यानी गाड़ी न्यूट्रल में है। तो आप फर्स्ट गियर डालने से पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको देख लेंगे कि न्यूट्रल है कि नहीं। गियर न्यूट्रल रहेगा तो आप फर्स्ट गियर डालने के पहले ध्यान से देखिए, ये क्लच है, क्लच को फुल प्रेस करेंगे। इसे प्रेस करने के बाद ये पहला गियर डालना है, तो आपको लेफ्ट की तरफ ऐसे धक्का देना है और सीधा इसे कोने की तरफ प्रेस कर देना है। एक नंबर लग गया दोस्तों, और जैसे ही गाड़ी की स्पीड 10 से ऊपर जाने लगे, 10 15 के बीच में, लगभग 10 से ऊपर ऊपर होने लगे, 10 15 करने लगे, तब तक आप पुनः से क्लच प्रेस करेंगे और फिर से दो नंबर इस तरह पीछे की ओर डाल देंगे। और दो नंबर डाल रहे हैं और धीरे धीरे क्लच भी इधर से रिलीज कर देंगे। जब क्लच रिलीज कर देंगे तो गाड़ी आपका उसी स्पीड में चलने लगेगी, बढ़ती जाएगी स्पीड। और गाड़ी चलाते समय जब गियर डाल दिए आप, इसके बाद क्लच से पैर हटा देना है, क्लच पर पैर नहीं रखे देना है। जैसे आपको गियर चेंज करना हुआ, तीन नंबर लगाना है आपको, गाड़ी 30 की स्पीड पहुँच रही है, तो आप पुनः क्लच लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे न्यूट्रल में कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ न्यूट्रल है। तीन नंबर डालने के लिए आप क्लच प्रेस किए रहेंगे और ऐसे सामने प्रेस कर देंगे। तीन नंबर गाड़ी का गियर लग गया, गाड़ी चल रही है 30 की स्पीड पर, और धीरे धीरे करके आप यहाँ क्लच छोड़ते जाएंगे, एक्सीलेटर धीरे धीरे दबाते जाएंगे। जब एक्सीलेटर ऐसे प्रेस करेंगे तभी गाड़ी चलेगी, और क्लच छोड़ेंगे तब, क्लच छोड़ना है धीरे धीरे, एक्सीलेटर प्रेस करते जाना है। अब गाड़ी आपकी रन करती जाएगी, दौड़ती जाएगी। जैसे ही आप का इस गाड़ी के स्पीडोमीटर 40 के लगभग बताने लगे, आप तुरंत क्लच प्रेस कीजिए और इधर धीरे से पीछे कर दी, ए लग गया चार नंबर। न्यूट्रल के पीछे जब जाएंगे तो चार नंबर लग जाता है, ये चार नंबर का गियर लीवर लगा है। अब देखिए धीरे धीरे इधर छोड़ते जाइए और ये एक्सीलेटर दबाते जाइए, गाड़ी आपकी बढ़ती जाइए।
जब गाड़ी की स्पीड दोस्तों 50 के करीब पहुंचने लगे, पुनः से आप क्लच फुल प्रेस कीजिए और इसको यहाँ से न्यूट्रल कीजिए और थोड़ा सा दाहिने तरफ ऐसे प्रेस करके और सीधे ऐसे दबा दीजिए। गियर 5 नंबर लग गया और दबाने के बाद धीरे धीरे आप क्लच रिलीज कीजिए यहाँ से और एक्सीलेटर धीरे धीरे दबाते जाइए और गाड़ी आपकी भगती जाएगी। और जैसे ही गाड़ी 5 नंबर से आपको फिर 4 नंबर में लाना पड़े तो फिर आपको क्लच दबाना है, फिर से आपको यहाँ से गियर छोड़ा देना है, यहाँ पे आ गया गियर और 4 नंबर करना है तो आप क्लच दबाए दबाए इधर पीछे कर देंगे, 4 नंबर लग गया, फिर एक्सीलेटर लिए रहिए, आपकी गाड़ी चलती रहेगी और क्लच रिलीज कर दीजिए, क्लच बिल्कुल स्वतंत्र कर दीजिए। ये गलती मत करिएगा कि गियर लगाने के बाद भी क्लच पर पैर रखे रहिएगा, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्लच को रिलीज कर दीजिए। और अगर रिवर्स गियर लगाना है तो रिवर्स गियर लगाने के लिए बहुत सरल है, आप जैसे क्लच प्रेस करके गियर लगाते हैं उसे क्लच प्रेस कीजिए और आप देख लीजिए कि न्यूट्रल है कि नहीं, न्यूट्रल रहेगा दोनों तरफ ऐसे हिलेगा और दाहिने तरफ थोड़ा सा ऐसे दबाइएगा और फिर 5 नंबर इधर लगता है और रिवर्स पीछे की तरफ लगता है, ये दिया हुआ है, आर लिखा हुआ है, तो ऐसे प्रेस करके आप ऐसे पीछे लगा देंगे तो आपका रिवर्स गियर लग गया, माने फिर अब आप एक्सीलेटर दबाएंगे तो गाड़ी आपकी पीछे की ओर चलने लगेगी, बैक करेगी, तो बैक कर सकते हैं आप इस तरह से करके। और यही आप लोगों के बीच में आज का वीडियो था दोस्तों कि कैसे गियर चेंज किया जाता है, गियर लीवर को कैसे यूज किया जाता है और कब क्लच प्रेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे लेटेस्ट यानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।